पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल मुरादाबाद के द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में अपनी मांगे रखते हुए कहा गया कि हर जनपद में बड़ी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर अपने सेल्स वाहनों से प्रतिदिन विभिन्न उत्पादों को लेकर नगर और गांव दुकानों पर बेचने जाते हैं, इसीलिए जनपद की सीमा को ई वे बिल से मुक्त किया जाए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ने इसे मुक्त कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भूमिका एंटरप्राइजेस के बाद में आदेश दिया है कि वो ई वे बिल की फिजिकल कॉपी न होने पर भी जीएसटी अधिकारी द्वारा माल जब्त नहीं किया जा सकता। मान्य उच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। जीएसटी में समाधान योजना के लिए 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की गई थी, परंतु उसका सर्कुलर जारी नहीं किया, उसे भी तत्काल जारी कराया जाए। ई वे बिल का पार्ट बी भरने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर पर होनी चाहिए। यदि ट्रांसपोर्टर ने पार्ट बी नहीं भरा है तो पेनल्टी ट्रांसपोर्टर पर लगनी चाहिए, ना कि व्यापारी पर। रिफंड करने की व्यवस्था हर महीने की जाए, जिससे व्यापारी की पूंजी ना फंसे। सभी रिफंड की व्यवस्था वार्षिक रिटर्न भरने के 2 महीने बाद करने का प्रावधान है, जो कि गलत है। हर महीने यदि व्यापारी अपना रिफंड चाहे तो उसे मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया कि जल्द ही उन सभी मांगों पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि व्यापारी अपना व्यापार कर सके और उत्तर प्रदेश को तरक्की मिल सके। ज्ञापन देने वालों में दीपक अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, जयदेव यादव के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विषय है इसमें जीएसटी में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के संबंध में। माननीय आपने 4/5/2018 को जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक माह में व्यापारी को 3 रिटर्न के स्थान पर 1 रिटर्न भरने का जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने ये सारे निर्णय लिया है, जीएसटी में निलंबित समस्याओं का समाधान होना अति आवश्यक है। नंबर 3, जीएसटी में समाधान योजना के लिए 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की गई थी, परंतु उसका सर्कुलर जारी नहीं हुआ। तत्काल सर्कुलर जारी कराने का आदेश पारित किए जाए। ई वे बिल का पार्ट भी भरने से जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर पर होनी चाहिए। यदि ट्रांसपोर्टर के अपने पार्ट भी नहीं भरा तो पेनल्टी ट्रांसपोर्टर पर लगनी चाहिए, ना कि व्यापारी पर। रिफंड करने की व्यवस्था हर महीने की जाए, जिससे व्यापारी पूंजी न फंसे। सभी रिफंड की व्यवस्था वार्षिक रिटर्न भरने के 2 माह बाद करने का प्रावधान है, जो कि गलत है। और मवाद क्योंकि एक्सपोर्ट सिटी है, सारा व्यापार एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, यहाँ पर अब तक रिफंड जीएसटी का नहीं है मिला है 6-6 महीने से 8-8 महीने से। इससे एक्सपोर्ट व्यापार बहुत खो रहा है और टर्नओवर बहुत डाउन हो रहा है। इसे सरल बनाया जाए और रिफंड तुरंत मिले। ब्रास के कामों को देखते हुए उन पर टैक्स की जो स्थिति है वो एक्सी करी जाएगी और कम किया जाएगा। कुछ वस्तुओं पर हटाया भी जा सकता है। बहुत दिनों तक इसकी चर्चा रही, परंतु अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। वो हल निकाल के देना चाहिए उसको। ब्रास के आइटम्स में जो कि ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है, 5% टैक्स करके एक टैक्स करते हैं। जो पिछले दिनों में जीएसटी ने पास किया था, इंडस्ट्रीज खरीदने पर टैक्स जमा नहीं कराना पड़ेगा, अब वो उसको भी आगे बढ़ाया जाए, ताकि उससे अंडरस्टेट से खरीदने वाले लोगों से खरीदने वाले व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी और ज़्यादा टैक्स जाएगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जीएसटी में ई वे बिल और रिफंड के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको अति शीघ्र दूर करने की और ये हमारी जो समस्या है इसको समाप्त करने की कृपा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।